सभी दर्शकों को जय येशु। आज हम येशु के पावन नाम के बारे में मनन चिंतन करेंगे। हम प्रभु येशु को विभिन्न नामों से पुकारते हैं। येशु नाम है, ईसा नाम है, क्रिस्त तथा इमैनुएल। इन नामों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, मनन चिंतन करेंगे आज के दिन। इन नामों का क्या मतलब है, इन नामों को हम क्यों उपयोग में लाते हैं, इन विषयों पर हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम येशु नाम पर मनन चिंतन करते हैं। येशु, और कुछ लोग येशु बोलते हैं और कुछ लोग यीशु भी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम येशु नाम का उपयोग करते हैं। येशु एक साधारण नाम था, जैसे हमारे समाज में विभिन्न लोगों को हम एक ही नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार उस समय बहुत सारे लोगों का नाम था येशु। येशु के समय में पहली सदी के इतिहासकार जोसेफस फ्लावियस कम से कम येशु नाम के 20 लोगों की बात करते हैं। उस समय बहुत से ऐसे लोग थे। नाजरत में येशु नाम के कई लोग थे, कई बच्चे भी थे, इसीलिए प्रभु येशु को वे बड़ाई का पुत्र कहते थे, बड़ाई का पुत्र, कारपेंटर्स सन। और इसी प्रकार कभी कभी कुछ लोग मरियम का बेटा भी कहते थे उनको। तो जब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम येशु है, उनसे अलग करने के लिए प्रभु येशु के लिए वे बड़ाई का पुत्र या मरियम का बेटा कहते थे। जब प्रभु येशु अन्य जगहों पर जाते हैं, विशेष रीति से सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत वे कापरनाऊ जाते हैं, कापरनाऊ में कई लोग थे जिनका नाम येशु था, और इसलिए प्रभु येशु को अलग पहचान देने के लिए वे लोग उनको नाजरत का येशु कहते थे। पुराने विधान में जो इब्रानी भाषा में लिखा गया था, यहोशुआ नाम हम पाते हैं पुराने विधान में। हम जानते हैं पुराना विधान इब्रानी भाषा में लिखा गया था। पुराने विधान में कई बार हम यहोशुआ नाम पाते हैं, कभी कभी यहोशुआ की जगह पर येशुआ भी पाते हैं। हिंदी में हम यहोशुआ कहते हैं, यहोशुआ या येशुआ। और आधुनिक इब्रानी भाषा में कई बार नाजरत के येशु के लिए येशु नाम का उपयोग किया गया है। आधुनिक इब्रानी में यहोशुआ के बदले में, येशुआ के बदले में येशु नाम का उपयोग करते हैं। यहोशुआ का क्या अर्थ है? यहोशुआ का अर्थ है यहोवा मुक्ति है। गॉड इज सल्वेशन, यावे इज सल्वेशन, प्रभु मुक्ति है, प्रभु मुक्ति है। ये है यहोशुआ का अर्थ। आपने द पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा होगा, जो फिल्म है, इसमें आरामी भाषा का उपयोग किया गया है। अरामाइक लैंग्वेज इज यूज्ड इन दिस पिक्चर, इन दिस फिल्म। और इस फिल्म में येशु को येशुआ कहते हैं। पुराने विधान में येशुआ कई लोगों का नाम था। आरामी तथा सिरियक भाषा में येशु या ईशो भी येशु को कहते हैं। येशु भी है, ईशो भी है। नया विधान यूनानी भाषा में लिखा गया है, ग्रीक लैंग्वेज। और यूनानी भाषा में
यीशु को ईयसुस कहते हैं, ईयसुस, और इसी को लातिनी भाषा में भी ईयसुस कहते हैं, ईयसुस। ये आप क्रूस के ऊपर लिखा हुआ पाते हैं, INRI, ये लातिनी भाषा का पहला अक्षर है, ईयसुस, आई, ईयसुस नासरेनुस रक्स यूदयोरुम, नाजरत के यीशु, यहूदियों का राजा, INRI। वहां पर जो पहला अक्षर है आई, ये लातिनी भाषा का है, यीशुस का। अंग्रेजी में हम जीसस कहते हैं, जीसस, और हिंदी में यीशु। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 21 में संत यूसुफ दर्शन में स्वर्गदूत को देखते हैं और स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, वे मामरियों के बारे में, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। तो ईसा नाम वहां पर दिया गया है। जब हम यीशु या ईसा नाम लेते हैं तब हम ये घोषणा करते हैं कि यीशु मुक्तिदाता है, क्योंकि यह शब्द आया है यहोशुआ से। यहोशुआ का मतलब है यावे इज सल्वेशन, यहोवा मुक्ति है। तो यीशु को हम मुक्तिदाता मानते हैं, इसलिए उनको यीशु कहते हैं। यीशु का मतलब मुक्तिदाता, सेवियर। अभी हम ईसा नाम के ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। ये ईसा नाम कहाँ से आया? हमने देखा कि यीशु नाम कहाँ से आया, उसका नाम, उसका अर्थ क्या है। ईसा नाम, शास्त्रीय अरबी भाषा में ईसा नाम का उपयोग किया गया है यीशु के लिए। ये नाम कुरान को मानने वाले कुरान के यीशु के लिए उपयोग करते हैं। ईसा नाम कुरान में पाया जाता है। अरबी भाषा बोलने वाले बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन भी होते हैं और वे यीशु के लिए ईसा नाम का उपयोग बहुत कम करते हैं। वे ज़्यादातर यासु कहते हैं, जिसे वे अरामी भाषा के यीशु से लेते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, क्रिस्त शब्द को देखते हैं। क्रिस्त नाम, क्रिस्त, इंग्लिश में हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट, हिंदी में यीशु मसीह या यीशु क्रिस्त। मसीह उनका उपनाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है, एक टाइटल है। इट्स नॉट ए सरनेम बट ए टाइटल, यीशु मसीह। कुछ लोग सोचते होंगे कि पहला वाला यानी यीशु नाम है और मसीह उनका उपनाम है, ऐसा नहीं है। मसीह एक टाइटल है, उपाधि है। क्रिस्त शब्द यूनानी शब्द के क्रिस्तोस से आता है, क्रिस्तोस एक ग्रीक शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। क्रिस्तोस का अर्थ है अभिषिक्त, अनोइंटेड वन, जिसका अभिषेक हुआ है, क्रिस्तोस। और ये क्रिस्तोस शब्द इब्रानी भाषा के मसीहा शब्द को अनुवाद करने के लिए उपयोग में लिया गया है। इब्रानी भाषा में मसीहा शब्द है, उस मसीहा शब्द को, मसीह शब्द को यूनानी भाषा में अनुवाद करते हुए क्रिस्तोस शब्द का उपयोग किया गया है। यहूदी लोग मसीह की प्रतीक्षा करते थे। पुराने विधान में हम देखते हैं कि राजाओं, याजकों तथा नबियों का अभिषेक होता था। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त, क्रिस्तोस, और राजाओं का अभिषेक होता था, याजकों का अभिषेक होता था, नबियों का अभिषेक होता था। राजाओं का अभिषेक
हम जानते हैं राजा साउल का अभिषेक हुआ था, जिसके बारे में हम शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 9 में पाते हैं। नबी शमूएल ने उनका अभिषेक किया था। राजा दाऊद का अभिषेक हुआ था, जिसके बारे में हम अध्याय 16 में पढ़ते हैं। और इसके अलावा सुलेमान का भी अभिषेक हुआ था, जिसके बारे में राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 39 में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं याजक सादोक ने, याजक पुरोहित सादोक ने तंबू से तेल भरा सींग निकालकर सुलेमान का अभिषेक किया। याजक सादोक ने तंबू से तेल भरा सींग निकालकर सुलेमान का अभिषेक किया। तंबू से निकाला, विधान के मंजूषा के लिए एक तंबू बनाया गया था, वहां से तेल निकालकर, यानि पवित्र तेल से अभिषेक होता है। राजाओं का अभिषेक करने के लिए पवित्र तेल का उपयोग होता था, तो इस प्रकार राजाओं का अभिषेक होता था, याजकों का भी अभिषेक होता था, पुरोहितों का। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 4 से 9 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद हारून और उसके पुत्रों को दर्शन कक्ष के द्वार पर पहुंचाओ और उन्हें जल से नहलाओ, फिर वस्त्र लेकर हारून को कुर्ता अंगरखा एफोद व वक्ष पेटिका पहनाओ, कलात्मक ढंग से बने कमरबंद से एफोद को हारून पर बांधो, उसके सिर पर पगड़ी रखो और उस पर स्वर्ण पुष्प लगाओ, अभ्यंजन का तेल लेकर उसे उसके सिर पर उंडेलते हुए उसका अभिषेक करो। तो किस प्रकार हारून और दूसरे पुरोहितों का अभिषेक होना चाहिए, इसके विषय में यहाँ पर विवरण है। पवित्र तेल सिर पर उंडेल कर, अच्छे कपड़े पहनाकर, पगड़ी रखकर, उसके बाद अभ्यंजन का तेल। अभ्यंजन का तेल अलग होता था, साधारण तेल नहीं, अलग, इसके लिए अलग से तेल बनाया जाता था उस तेल से। आगे हम पढ़ते हैं, उसके पुत्रों को अपने पास बुलाओ और उन्हें कुर्ते पहनाओ, हारून और उसके पुत्रों के शरीर पर कमरबंद बांधो और उनको पगड़ी पहनाओ, एक चिरस्थाई विधान द्वारा उन्हें याजक का पद प्राप्त होगा, तुम इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक करोगे। मूसा को बताया गया था कि इस प्रकार हारून और उनके पुत्रों का अभिषेक करो। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 40 वाक्य 1 और 13 से 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, हारून को पवित्र वस्त्र पहनाओ, उसका अभ्यंजन करो और मेरे पुरोहित के रूप में उसका अभिषेक करो और उसके पुत्रों को भी इसी प्रकार। इसका मतलब है याजकों का यानी पुरोहितों का भी अभिषेक होता था। इस विषय में लेवी ग्रंथ के अध्याय 8 वाक्य 10 से 12 में भी हम पढ़ते हैं किस प्रकार पुरोहितों का अभिषेक होता है। आगे हम देखते हैं कि नबियों का अभिषेक होता था। राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 19 वाक्य 15 और 16 में पढ़ते हैं, प्रभु ने एलियस से कहा, जाओ जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ, वहां पहुंचकर अजायत का आराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र यहू को इसराइल के राजा के रूप में अभिषेक करो, और इसके बाद आबेल महोला के निवासी शफाट के पुत्र एलिशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान में नबी हो। एलिशा को अभिषेक करने के लिए प्रभु ईश्वर नबी एलियस को भेजते हैं। तो इस प्रकार नबियों का अभिषेक होता था। इस विषय में नबी इसाया के ग्रंथ के अध्याय 61 वाक्य 1 और 2 में हम पाते हैं कि नबी इसाया स्वयं कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उन्होंने मेरा अभिषेक किया है, ईश्वर ने, प्रभु के आत्मा में मुझ पर छाया रहता है। तो हमने देखा कि
राजाओं का अभिषेक होता था, याजकों का अभिषेक होता था, नबियों का अभिषेक होता था। और प्रभु यीशु राजा है, याचक है और नबी है, तीनों है। और इसके बारे में हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, यौहन के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 36 में प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। प्रभु ये मानते हैं और दूसरों के सामने बताते हैं कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रभु यीशु राजा है, वे राजादि राज है। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 20 से 22 तक के वचनों में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बिठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युगों के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया है और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। यानी मसीह को सब कुछ पर अधिकार दिया गया है, मसीह सब कुछ का शासक है यानी राजा है। प्रभु यीशु याजक भी है। इस विषय में हम इब्रानियों के पत्र में बार बार पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, हमारे अपने एक महान प्रधान याचक है, प्रधान याचक हाई प्रीस्ट अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं, इसीलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। यीशु महापुरोहित है, प्रधान याचक है। इब्रानियों के नाम पत्र के अध्याय 9 वाक्य 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याचक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। तो परम पावन स्थान में प्रवेश करने वाले महापुरोहित के रूप में, प्रधान याजक के रूप में हम यहां पर मसीह को पाते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु नबी भी है। लुकास के सुसमाचार के अध्याय 24 वाक्य 19 में हम उन दो शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं जो एम्माउस जा रहे थे और उन्होंने प्रभु यीशु से कहा, बात ईसा नाजरी की है, वे ईश्वर तथा समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। यीशु के बारे में दो शिष्य कहते हैं कि वे शक्तिशाली नबी थे। समारी स्त्री प्रभु से यौहन के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 19 में कहती है, महोदय मैं समझ गई आप नबी हैं। समारी स्त्री प्रभु यीशु को नबी के रूप में देखती है। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 17 में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु ने एक जन्मांध को चंगाई प्रदान की थी और चंगाई प्राप्त करने के बाद जब लोग उनके पास आकर उस अंधे से पूछते हैं, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी की है उसके विषय में तुम क्या कहते हो, तो उसने उत्तर दिया वह नबी है। तो समारी स्त्री ने प्रभु को नबी के रूप में पहचाना, जन्मांध ने जिसकी चंगाई हुई प्रभु को नबी के रूप में पहचाना। और लुकास के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 17 से 21 तक के वचनों में जिन वचनों को हमने सुना, नबी ईसाया के ग्रंथ के अध्याय 61 से लिया गया है, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रभु नबी ईसाया के पुस्तक को पढ़ने के बाद
जिसमें कहा गया है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। और इन शब्दों को दोहराने के बाद प्रभु कहते हैं, आज धर्म ग्रंथ का ये कथन तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। ये सब बातें आज पूरी हो गई है मुझ में, यानी प्रभु में, यानी प्रभु नबी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु राजा है, याचक है, नबी है, और इसलिए हम उनको अभिषिक्त कहते हैं, क्योंकि राजाओं का, याचकों का, नबियों का अभिषेक होता था, और इसी कारण हम उनको ख्रिस्त कहते हैं। और मसीह का वे यहूदी लोग इंतजार करते थे, और मसीह ईश्वर के अभिषिक्त जाने जाते थे, और ये अभिषिक्त राजा, याचक और नबी है। जब हम प्रभु को ख्रिस्त कहते हैं, हम ये मानते हैं कि प्रभु राजा के रूप में, याचक के रूप में, नबी के रूप में, मसीह के रूप में अभिषिक्त है। आइए हम आगे चलते हैं। एक और शब्द है, नाम है इम्मानुएल। ये वास्तव में पुराने विधान का नाम है। इम्मानुएल हिब्रू शब्द है, इम्मानुएल ई, जिसका अर्थ है गॉड इज विथ अस, ईश्वर हमारे साथ है। इब्रानी भाषा का शब्द है इम्मानुएल, और यही शब्द हम यूनानी भाषा में पाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। इम्मानुएल यूनानी भाषा में इम्मानुएल, इब्रानी भाषा में इम्मानुएल, इसलिए ये दोनों हम बाइबल में पाते हैं, इम्मानुएल और इम्मानुएल। नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 हम जानते हैं, ये इब्रानी भाषा में लिखा गया था। यहां पर इम्मानुएल शब्द का इस्तेमाल है, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेंगी। इम्मानुएल इसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। इसी को हम मत्ती के सुसमाचार में पाते हैं, और मत्ती का सुसमाचार हम जानते हैं यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखा गया था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 21 से 23 तक के वचनों में उन्हीं वचनों को नबी ईसाया के ग्रंथ के अध्याय 7 वाक्य 14 को दोहराते हैं, लेकिन यहां पर इम्मानुएल शब्द नहीं, इम्मानुएल शब्द दिया गया है। इम्मानुएल, इम्मानुएल क्योंकि यह यूनानी भाषा में लिखा गया था। तो बाइबल में पुराने विधान में हम इम्मानुएल पाते हैं क्योंकि यह इब्रानी शब्द है, और नए विधान में इम्मानुएल पाते हैं। दोनों सही है, इम्मानुएल या इम्मानुएल। अभी हम देखते हैं, हमने अभी तक देखा यीशु नाम का क्या अर्थ है, ईसा नाम कहाँ से आया, क्रिस्त का क्या अर्थ है, इम्मानुएल नाम का क्या अर्थ है। इन सब को जानने के बाद हम थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं यीशु नाम की शक्ति के बारे में। लुकस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 17 में हम देखते हैं कि 72 शिष्य वापस लौट आते हैं, प्रभु उनको भेजते हैं, और वे वापस आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपके नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन होते हैं। अवधूत शैतान प्रभु यीशु के नाम से डरता है, इसलिए वे कहते हैं अवधूत भी हमारे अधीन होते हैं। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें वही प्रदान करूंगा। मेरा नाम लेकर, नाम लेकर मांगना, यीशु का नाम लेकर मांगना, प्रभु स्वयं कहते हैं मांगो, मेरा नाम लेके मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। और यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 23 और 24 में भी हम यही पाते हैं, मेरे नाम पर मांगो। प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य 29 और 30 में हम पढ़ते हैं कि विश्वासी लोग
अत्याचार के समय प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को उनको ये कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा मसीह के नाम पर स्वास्थ्य लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ चिन्ह तथा चमत्कार, यीशु का नाम शक्तिशाली नाम होता है। फिलिपियों को लिखते हुए अध्याय 2:9-11 में संत पौलुस कहते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। तो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है प्रभु का, और यह नाम सुनकर आकाश पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकते हैं। यीशु का नाम सुनकर कितनी शक्ति है इस नाम में। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 10:12-13 में हम पढ़ते हैं, इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है, वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जो प्रभु का नाम लेते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 में हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु का नाम। इस नाम के सिवा किसी भी नाम में मुक्ति नहीं है, वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है। कलशियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 3:17 में कहते हैं, आप जो भी कहें या करें सब कुछ प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। यीशु का नाम ईसा के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। सब कुछ यीशु के नाम पर करें। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का नाम शक्तिशाली नाम है। उस नाम को सुनकर सब कोई घुटने टेकते हैं। यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करने से प्रभु यीशु हमें अपने वरदान प्रदान करते हैं। यीशु के नाम में शक्ति है। आइए हम उस शक्ति को परखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। जब कभी हम यीशु का नाम लेते हैं हम उनका आदर करें। आशा है कि आप लोगों को यह स्पष्टीकरण बहुत अच्छा लगा होगा। जय यीशु।